हे गाइस, वेलकम टू निशाज व्लॉग्स। कैसे हो आप सब गाइस? व्लॉग शुरू करने से पहले ना आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे गाइस इस वीडियो में 100K प्लस व्यूज हो गए हैं, मतलब 1 लाख व्यूज। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी गाइस। लाइक औरों के लिए शायद ये कम होगा बट मेरे लिए 100K व्यूज बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए, इतना लव करने के लिए। कॉमेंट सेक्शन में जो जो इस अचीवमेंट को देख के खुश हुआ है ना, वो सबके सब कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो ताकि मैं वो देख के और खुश हो जाऊँ। मुझे पता तो लगे कि कौन कौन खुश है। गाइस पापा ना छत पर है और पापा ने ना बहुत अच्छी गार्डनिंग कर रखी है, बहुत सारी सब्जियां लगा रखी हैं, तो छत पर ही चलते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ। पापा सब्जियां आई थिंक तोड़ रहे हैं अभी। गाइस मैं छत पर आ गई हूँ एंड पापा जो हैं यहाँ पर सामने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पापा ना पाव भाजी बनाने वाले हैं हमारे लिए, तो उसके लिए पापा जो हैं बैंगन तोड़ रहे हैं। पापा ने इतने बैंगन निकाल लिए हैं यहाँ पे पौधे से इतने सारे। अगर थोड़ी देर पहले आती तो मैं तुम्हें तोड़ते हुए दिखाता, लेकिन अब तो मैंने तोड़ दिए हैं। अच्छा अच्छा, अभी कुछ लगे हुए हैं इसमें, ये देखो मैं दिखाता हूँ। गाइस देखो ये बैंगन, ये भी छोटे हैं, ये देखो ये काफी छोटे हैं तो अभी छोड़ दिए, 2-4 दिन में बड़े हो जाएंगे। ये है, ये वाले हैं, ये देखो इधर भी है गाइस बैंगन, ये भी छोटे छोटे हैं, ये भी काफी छोटे हैं अभी, बट ये काफी सही है देखो। ये और भी गार्डनिंग कर रखी है। पापा क्या लगा रखा है? भिंडी, ये देखो भिंडी है, भिंडी तो बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी है भिंडी। और यहाँ पे अभिषेक केरा, ये देखो ये भी हो रहा है सीताफल, यहाँ सीताफल भी लगा रखी है। गाइस मैं काफी टाइम बाद छत पर आ रही हूँ, वैसे मैं नीचे फ्लोर में ही रहती हूँ। गाइस इसको बहुत ज्यादा तेज ठंड लग रही है, अरे कहाँ पर आया? गाइस बहुत ज्यादा ठंड हो गई, दिल्ली का टेम्परेचर 1 डिग्री पहुंच चुका है अभी, मैंने देखा फोन में, किसी को दिख नहीं रहा होगा इसमें। तोरी भी लगा रखी है ये गाइस, ये देखो करेले भी लगा रखे हैं। गाइस अब मैं अभिषेक और पापा तीनों नीचे जा रहे हैं, अब पापा पाव भाजी बनाएंगे अब हमारे लिए। गाइस पापा किचन में हैं तो पापा देखते हैं पापा ने मतलब क्या क्या अभी तक कर लिया है, बना लिया है। शिमला मिर्च चॉप कर रहा हूं। गाइस पापा ना शिमला मिर्च चॉप कर रहे हैं अभी। और क्या क्या है पापा, क्या क्या डलेगा पाव भाजी में? सब बना के रेडी कर दिया है मैंने। आलू डाल रहा हूँ उसमें, मैंने आलू डाले हैं इसमें, गोभी है, शिमला मिर्च डाल रहा हूँ, मटर है और उसमें सीताफल है, और एक बैंगन ऊपर से जो बैंगन लाए थे एक बैंगन डाल दिया मैंने, और चकुंदर एक चकुंदर। गाइस कल रात को ना मैं ऐसी बैठी हुई थी और मैं इंस्टाग्राम पे ना रील्स देख रही थी एंड मुझे ना पाव भाजी की रील दिखी और मैंने पापा को बोला पापा आप कितने टाइम से पाव भाजी क्यों नहीं बना रहे, हमारे लिए पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने कल रात को बोला था इसके पापा आज हमारे लिए पाव भाजी बना रहे हैं, पापा को याद था। आप देखते हैं कैसी होगी पाव भाजी, कैसे बनेगी। गाइस मम्मी ने ना अभिषेक को बोला था कि ना अभी दूध लेकर आ जा, बट ये ना गाइस दूध भी लेकर नहीं आता, ये ब्लिंकिट कर देता है अब यहाँ पे सीधा। अभिषेक अभी भी ब्लिंकिट कर रहा है। अभिषेक क्या क्या मंगा रहा है? गाइस ये देखो कोका कोला तक ना ये ब्लिंकिट से मंगाता है, और मतलब ज्यादा नहीं है। देख देख गाइस इसने दूध ऐड करा है, और क्या मंगाया, बटर। गाइस हमारा जो ऑर्डर हमने करा ना 163 का है, और इसने कोका कोला वगैरह मंगा रखी है, पता नहीं क्या क्या, अब वो ऑन द वे है, 10 मिनट में आ जाएगा। मतलब ब्लिंकिट से काफी सही हो गया है, मतलब घर बैठे बैठे ना हमारा फालतू का थोड़ा मोटा छोटा मोटा सामान आ जाता है। गाइस पापा ने बनाना शुरू कर दिया है ये। गाइस खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब मन कर रहा है अभी खा जाओ, बट अभी बना भी नहीं है। गाइस मम्मी भी ना पापा की हेल्प करवा रही हैं, मम्मी गाइस टमाटर काट रही हैं। गाइस ब्लिंकिट से सामान आ गया है, देखते हैं ठीक सामान है या नहीं। कोक भी आई है, बटर, कोक बटर दूध, 10 मिनट में आ गया। पापा ना अभी चाय पी रहे हैं। पापा पाव भाजी कितनी देर में बनेगी? तैयार है भाजी, तैयार है पाव सेकने। गाइस खुशबू ना बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है और पाव भाजी जो है बन गई है। पापा अभी पाव को सेक रहे हैं इधर। गाइस ये भाजी ये अभिषेक के लिए है। गाइस ये अभिषेक के लिए है, और ये मूली और क्या है मम्मी? बीट रूट। गाइस ये मक्खन भी डाल रहे हैं पापा इसमें। गाइस ये अभिषेक और मेरी पाव भाजी यहाँ रेडी है, बहुत यम लग रहा है, अभी खाएंगे इसको अब हम। आप में से गाइस किस किस को पाव भाजी पसंद है? जिसको पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक जरूर करना वीडियो को। गाइस पापा और पाव लेकर आ गए हैं, अभिषेक खा रहा है। अभिषेक कैसा है टेस्ट? काफी सही टेस्ट है यार इसका तो। गाइस पापा सच में बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, पाव भाजी बहुत टेस्टी है। आई नो आप सबका भी मन कर गया होगा पाव भाजी खाने का।
बट आई कांट गिव इट टू यू गाइज। अभिषेक ने ना और पाव मंगा लिए हैं और भाजी भी ले रहा है। गाइज मैंने ना पाव खा लिया है, अब ना भाजी बची है बस थोड़ी सी, अब मैं बस भाजी खाऊंगी। गाइज मेरा ना एग्जाम है जर्मन का, तो मैं ना उसके लिए भी पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो मैंने ना आपने अगर लास्ट व्लॉग में देखा हो, मैंने ये लाइब्रेरी से ये बुक इशू करवाई थी। तो चलो मैं इसको जर्मन में बोलती हूँ कि मुझे अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो गाइज इसको जर्मन में बोलेंगे ऐसे कि ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten। आई नो गाइज आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। गाइज इसमें जो टियर लिखा है ना, इसका मतलब होता है एनिमल्स, तो ये एनिमल्स के ऊपर है। गाइज अपना पापा और मम्मी भी पाव भाजी खा रहे हैं, पापा बताएंगे खा के कि कैसी बनाई है पापा ने। पापा ने तो बनाई है, अच्छी बनी होगी, तो खुशबू से मेरा मन भर गया, खाने की जरूरत ही नहीं, फिर भी देखते हैं। अब ये पंखा चला दे। मम्मी आप बताओ कैसा लगा आपको? सच में गाइज इतना यम है ना। गाइज आज ना सैटरडे है, तो आज तो पाव भाजी बन गई है। अब पापा से पूछते हैं कि पापा संडे को क्या बनाएंगे, कुछ ना कुछ पापा को बनाने के लिए बोलेंगे संडे को भी, क्योंकि कुछ सैटरडे संडे तो एटलीस्ट हम कुछ लाइक टेस्टी सा खाएं ना। बाकी नॉर्मल डेज में तो गाइज हम ऐसी रोटी सब्जी दाल चावल ऐसी खाते हैं। कल के लिए आपके पास अगर कोई आइडिया है कि ये बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं पापा को वो बोलूँगी, पापा फिर वही बनाएंगे हमारे लिए। ये व्लॉग गाइस यहीं पर खत्म होता है, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। बाय, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।